टू माई चैनल. आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. सो अ फ्रेश न्यू मॉर्निंग, अ फ्रेश न्यू डे. टुडे इज 6th of December एंड देखते देखते साल ख़त्म हो गया. कोविड में पता ही नहीं चला कि साल कैसे ख़त्म हो गया. और आज का जो दिन है वो बहुत ही अच्छा है. मैं आपको दिखाता हूँ अपनी खिड़की से, मैं हूँ अभी अपने रूम में और अपनी खिड़की से दिखाता हूँ आपको कि कैसा व्यू दिख रहा है बाहर का. या सो दिस इज द मौसम ऑफ टुडे. और पूरे थोड़े थोड़े बादल हमारे को दिख रहे हैं जो कि, और सूरज देवता हमारे यहाँ पे है. और बादल देखिए आप, 1, 2, 3, 4 मतलब है थोड़े बहुत बादल है. और ये माउंटेन्स जो कि मेरे घर से दिखते हैं बाहर को. और ये मैं वीडियो में आप सभी को घुमाने वाला हूँ नारकंडा थोड़ा बहुत. और दिखाऊंगा नारकंडा में कहाँ पे क्या है और जितना हो सकेगा कोशिश करूँगा सारा दिखाऊं. बाकी एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बहुत ही जल्दी मैं आप सभी के लिए नारकंडा के ऊपर बना के ज़रूर लाऊंगा. उसके बाद हम लोग जो जाने वाले वो जाने वाले एक टेम्पल जो कि है मानेश्वर महादेव जी का, जो कि शिलारू के साथ है. नारकंडा से अराउंड 35-40 मिनट्स का रास्ता है और वहाँ हम जाने वाले. और बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही पीसफुल जगह है. और जिस तरह से उस मंदिर को बनाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. तो आप सभी इस वीडियो को एंजॉय करना, एंड तक देखना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. सबसे पहले हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो हम जाएंगे पेट्रोल पंप. और यही जो रोड है वो नारकंडा को रामपुर के साथ कनेक्ट करता है. तो यह है नारकंडा का पेट्रोल पंप और एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू के साथ जो है ये पेट्रोल पंप है. और यहाँ पे हम अभी तेल भरवाएंगे और वापस हम मेन मार्केट की तरफ जाएंगे. तो अभी हमने गाड़ी में तेल भरवा दिया है और अब चल चुके हैं हम वापस मेन मार्केट की तरफ. तो मेन मार्केट के लिए हमें लेना होगा राइट डाइवर्जन. जो लेफ्ट डाइवर्जन अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये रोड जाता है कोटगढ़ थानेदार बागी और रोडू की तरफ. और राइट डाइवर्जन जो है वो नारकंडा की मेन मार्केट की तरफ जाता है. और यही रोड जो है वो नारकंडा को शिमला के साथ कनेक्ट भी करता है. तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको SBI का ATM देखने को मिलता है. यहीं से ही होटल हाटू के लिए भी रास्ता जाता है. और राइट साइड में आपको शॉप्स दिख रही हैं सब्ज़ी की, कपड़ों की और डे टू डे लाइफ में जो भी लगती है सब चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती है इजीली. और ये है नारकंडा की सबसे फेमस शॉप्स में से एक, जहाँ पे दवाइयाँ तो मिलती है पर यहाँ पे जले हुए की बहुत ही अच्छी दवाइयाँ मिलती है. बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ पे अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं और ये बहुत ही अच्छी तरीके से सबको ट्रीट करते हैं. और इसके बाद जो है ये है हमारा मेन मार्केट का कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे हमें मोबाइल शॉप्स, ढाबे और छोटी मोटी सब्जियों वगैरह की दुकान सारी देखने को मिल जाती हैं. और ये है हमारा एक छोटा सा मंदिर जो कि मेन हाईलाइट है नारकंडा की. सबसे पुरानी इमारत हम इसे कह सकते हैं नारकंडा की. और इसके पीछे आपको घर देखने को मिल रहे हैं. इन्हीं घरों के बीच से रास्ता जाता है मेला मैदान के लिए, जो कि आपको ऊपर एक छोटा सा मंदिर भी दिख रहा होगा. लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है और साथ में एक सब्ज़ी की दुकान भी है और एक हार्डवेयर की शॉप है जिसे मामाया कहते हैं. ये नारकंडा का सबसे अच्छा फूड जॉइंट है, जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं. और इसके साथ ही एक कोऑपरेटिव बैंक का ATM भी है. ये रास्ता जाता है नारकंडा स्कीइंग स्लोप के लिए, जहाँ पे नेशनल इवेंट्स भी होते हैं स्कीइंग के और लोग स्कीइंग करते हैं. और यहाँ पे आपको एक ढाबा दिख रहा है छोटा सा ऊपर. ये नारकंडा की सबसे पुरानी स्वीट शॉप है नारकंडा की. और यहाँ से ये जो रोड है ये सीधा शिमला के लिए निकलता है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया. तो ये नारकंडा का एक मेन बस स्टैंड है. नारकंडा में कोई डेडिकेटेड बस स्टैंड नहीं है, तो यहाँ पर मार्केट में ही बसेस खड़ी होती हैं और यही बस स्टैंड है नारकंडा का. तो अब हमने नारकंडा थोड़ा बहुत कवर कर लिया. इसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो है मानेश्वर महादेव जी का टेम्पल, जिसके लिए हमें शिलारू पहुंचना पड़ेगा. और शिलारू जाने के लिए जो हमारे पास रोड है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है. अभी रिसेंटली ही यहाँ पे मेटलिंग हुई है और देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से मेटलिंग हुई है. बहुत ही एक अच्छी स्पीड अब आप मेंटेन कर सकते हैं नारकंडा से ठियोग और खंडियाली तक. और यहाँ पे आपको जब आप रास्ते में जाएंगे तो आपको ऊपर और नीचे की तरफ दोनों तरफ सेबों के बगीचे, बहुत ही खूबसूरत बगीचे आपको देखने को मिलेंगे. और रोड के साथ जो आपको डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे वो भी बेहद ही खूबसूरत है. आसमान के साथ इनका कॉन्ट्रास्ट बहुत ही अच्छा निखर के आता है. और ये है खंडियाली, जहाँ पे देवदार के बहुत ही बड़े बड़े दरख्त और बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ आपको देखने को मिलते हैं.
तो इसके बाद ये है कंडियाली, इसके बाद हम पहुंचेंगे सीधा शिलारू, और ये है हमारा शिलारू का जो मार्केट है, छोटी सी मार्केट है शिलारू की, यही वो जगह है जहाँ से हमें मानेश्वर महादेव जी के मंदिर के लिए डाइवर्जन लेना है। तो ये जगह है जहाँ से हमें डाइवर्जन मानन के लिए लेना पड़ेगा, और इसी रूम में हमें इंटरनेशनल स्टेडियम हॉकी का देखने को मिलेगा, जो कि ये आप सभी के सामने है। ये हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में इंडिया के सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम है, और ये इसका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो इसकी जो सराउंडिंग्स है वो चारों तरफ से सेबों के बगीचे से हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में, इसका जो व्यू है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और धीरे धीरे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। तो धीरे धीरे जो है हम मंदिर की तरफ पहुंच चुके हैं, और ये आप सभी को दिख रहा है, ये मंदिर है जहाँ पे हमें पहुंचना है। अभी हम पूरी तरीके से पहुँचे नहीं, और देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे हमें मंदिर का देखने को मिल रहा है। तो ये है मंदिर की मेन एंट्रेंस, जहाँ से हम मंदिर में एंटर करते हैं, और आप देख सकते हैं साफ़ सफ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से मेनटेन की गई है। और आजकल हालाँकि लोग बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोरोना है और सबको अपनी जान पे आ रही है, तो बहुत ही कम लोग यहाँ पर आए हैं। और इसके बाद आप मंदिर के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय कीजिए, जो कि मैंने थोड़े बहुत कैप्चर किए हैं। सभी लोगों ने देखा, आई होप आप अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे इस बार कंपैरेटिवली लोग बहुत ही कम हैं, ऑब्वियसली कोविड करके काफ़ी कोई लोग आ नहीं रहे हैं, तो पर फिर भी यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा, दिल को तसल्ली मिली। और अब मैं जा रहा हूँ वापस घर की तरफ, तो आपको मिलता हूँ रास्ते में। वापस आ चुके हैं मंदिर से, और अब हम वापस नारकंडा पहुंचने वाले हैं। तो आपको जो लेफ्ट साइड में येलो सी बिल्डिंग दिख रही है, नारकंडा का हॉस्पिटल, और जो सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, एक होटल बन रहा है नारकंडा का, शायद सबसे बड़ी बिल्डिंग है नारकंडा की, और ये हमने एंटर कर लिया है नारकंडा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी ऐसी वीडियो में, टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, दिस इज़ मोहित कंवर साइनिंग ऑफ।